नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड आपका दोस्त डीएसके, और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 12 के डे नंबर 4 की। ये डे नंबर 4 जो था बड़े बादशाही अंदाज में शुरू हुआ था। बादशाह फिल्म का टाइटल ट्रैक बजाया गया बिग बॉस के द्वारा, और हमने देखा कि इस घर के जो बादशाह थे अनूप साहब, वो ट्रेडमिल पर चले जा रहे थे, चला जाता हूँ जसलीन की धुन में, धड़कते दिल के भजन गुनगुनाते हुए। जसलीन भी हमने देखा कि थोड़ी देर में सुबह सुबह इतनी जल्दी सुबह सुबह श्रृंगार वगैरह मस्कारा मस्कारा मार के आ गई, एक दूसरे का हाल चाल वगैरह पूछा। एंड एट द सेम टाइम हमने देखा कि लिविंग रूम एरिया में दीपक, रोमिल एंड निर्मल बैठ के बात कर रहे हैं, जहां पर कि दीपक और रोमिल समझाना चाह रहे हैं निर्मल जी को कि निर्मल जी थोड़ा बॉन्डिंग बढ़ाओ, लोगों से मिलो जुलो, दिखो टीवी पर, अदरवाइज क्या होगा ना कि नॉमिनेशन में पहुंच जाएंगे तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। अब देखो ना, सामने वाली टीम में सौरभ अच्छा बंदा है, डिसेंट बंदा है, मेच्योर बंदा है, काम भी करता है, लेकिन वो शिवाशीष की वजह से नॉमिनेशन में फंस चुका है। बड़े डाइसी सिचुएशन है, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो। तो यहाँ पर ज्ञान तो यहाँ पर कई सारे टिप्स दिए जा रहे थे दीपक के द्वारा, रोमिल के द्वारा। दीपक शायद ये कहता भी है कि आप भले ही अपनी जगह 100% सही हो, लेकिन इस गेम में बने रहने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो दीपक कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वो फुल प्रिपरेशन करके आया है, उसने सारे सीजन देख रखे हैं। रोमिल वगैरह सभी लोग जो है वो सीजन देख के आए हैं, अच्छी खासी स्टडी करके आए हैं भैया। अगर बिग बॉस के बारे में पीएचडी का कोई यूनिवर्सिटी निकालती है कोर्स, तो आई थिंक ये सबके सब लोग पीएचडी कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया इस वीक का, यानी बिग बॉस 12 का सबसे पहला कैप्टेंसी टास्क। वो जो एक दो दिन पहले टास्क हुआ था, जो रद्द हो गया था, लग्जरी बजट और ये सब वो सब हुआ था, उसके बाद कई लोगों ने हो अल्लाह मचाया था, हमारी मेहनत पे पानी फिर गया। मेहनत चुगली करना, झगड़े करना, यही सब तो था। खाई घंटा मेहनत, दो दिन हुए घर में आए हुए, मेहनत बड़ा राग अलाप रहे थे। मैंने उस दिन के रिव्यू में भी कहा था कि बिग बॉस कुछ ना कुछ ऐसा करते ही हैं, बिग बॉस की टीम के पास हमेशा एक प्लान बी रहता ही है, क्योंकि बिग बॉस भी जानते हैं कि प्लान ए तो घर वालों से होगा नहीं, प्लान बी एक बैकअप प्लान हमेशा रेडी रहता है इनके पास। उन्होंने बिग बॉस ने प्लान बी दे दिया। एंड सेलेब्स एंड कॉमनर्स में जो लड़कियां हैं, मतलब जोड़ी एंड सिंगल्स में जो लड़कियां हैं, जो फीमेल कंटेस्टेंट है, उन्हीं में से कंटेस्टेंट चुना जाएगा आपसी सहमति से, बहुमत से नहीं, आपसी सहमति से। सो आई होप ये एपिसोड महेश मांजरेकर ने देखा हो, जो कि बिग बॉस मराठी होस्ट करते थे, क्योंकि बिग बॉस मराठी में कई लोगों को बहुमत और आम सहमति में फर्क नहीं पता था, शो के होस्ट महेश मांजरेकर को भी। तो आई एम श्योर उन्होंने शायद देख लिया होगा कि बहुमत और एक मत से सहमत होने में कितना डिफरेंस होता है। हालांकि सेलेब्स की जो टीम थी, वहां पर एक मत से दीपिका को खड़ा कर दिया गया। सबने कहा कि दीपिका बहुत समझदार है, मैच्योर है, घर को अच्छे से हैंडल कर सकती है, सब लोगों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन जोड़ी टीम में खान सिस्टर्स एंड रोशनी एंड कीर्ति या कृति जो भी नाम है, उन दोनों में ठनी हुई थी कि भाई हम बनेंगे, ये चाहते थे कि हम बने। जोड़ी टीम के जितने भी सेंसिबल इंसान कह लीजिए, चाहे वो रोमिल कह लीजिए, चाहे वो निर्मल कह लीजिए, चाहे वो सौरभ कह लीजिए, चाहे वो दीपक भी कह लीजिए, ये सब के सब चाह रहे थे कि भाई ये खान सिस्टर्स तो बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि ये किसी लायक नहीं है, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, अगर ये बोलेंगी तो घर वाले कोई काम नहीं करेंगे, और इनका एटीट्यूड बहुत बड़ा इशू है। सो इस टीम में काफी ज्यादा टाइम लगा और कोई आम सहमति नहीं बन पाई। जब बहुमत से वोट करने की बात आई तो बिग बॉस ने दखलअंदाजी करके बोल दिया कि अब बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोग आम सहमति बनाए। तो कीर्ति और रोशनी ने हाथ पैर जोड़ के लाख मिन्नतें कर कुरा के, जैसेर वैसेर ये करेंगे वो करेंगे, मैं कैप्टन बन गई तो ये करूंगी वो करूंगी, तमाम तरह की दुआएं देकर खान सिस्टर्स को रजामंद कर लिया कि भैया तुम लोग कैप्टनसी टास्क में मत जाओ। नहीं गए, लेकिन खान सिस्टर्स के मन के अंदर कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए पाए गई। एनीवे ये टास्क शुरू हो गया, जहां पर कि जलोड़ा साहब को बना दिया गया बादशाह और उनकी जो जसलीन है उन्हें बना दिया गया वजीर। ये जो टास्क थी, इसकी स्टार्ट में ही ये सब फिक्स हो चुका था कि चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो वजीर हो, जसलीन, सबका एक मत था कि दीपिका को ही जिताना, क्योंकि घर वालों को पूरी तरह से यकीन था कि कीर्ति एंड रोशनी आर नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल द हाउस। लेकिन वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो होता है। इधर सेलेब्स की जो टीम है, इसमें सिर्फ 4-5 मेंबर हैं, और जो जोड़ी की टीम है उनमें कई सारे मेंबर्स थे। तो डांस परफॉर्मेंस हुए, यहाँ पर हमने श्रीशांत का एकदम गुस्सा वाला अवतार देख लिया, फिर से गाली गलौज कर दी। श्रीशांत तू कब शांत होगा भाई, इतना गुस्सा क्या करोगे, इतना गुस्सा लेकर के यार हर बात पे गाली गलौज करना, मतलब समझ से परे है श्रीशांत का बिहेवियर। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि श्रीशांत इस घर में करना क्या चाहता है। नाम में संत है, लेकिन वो व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से उसका उल्टा ही जा रहा है। क्योंकि जैसे ये टास्क वगैरह शुरू हुआ, एक इंसिडेंट ऐसा है जहां पर कि श्रीशांत जा रहा था,
शायद कोई ट्रे वगैरह उठा रहा था, वहां पर वो शिवांश भी था, तो दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई जहां पर कि श्रीचंद ने गाली दे दी। एंड शिवांश ने तो शायद जिंदगी में पहली बार गाली सुनी तो इतना ओवर रिएक्ट किया, क्योंकि ये ओवर रिएक्ट मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि श्रीशांत ने रोमिल को भी गाली दी थी एंड रोमिल ने इतना हाय तौबा नहीं मचाया। तो रोमिल ने प्रूफ किया, थोड़ा जब बाद में ये सब हुआ था, रोमिल ने प्रूफ किया कि भाई उसके पास एक सेंसिबल दिमाग है, उसने श्रीशांत को अच्छे से समझाने की कोशिश की, बात का बतंगड़ नहीं बनाया। लेकिन ये जो शिवांश है इसने बात का बतंगड़ बना दिया। लेकिन भाई एक बात है, वो इंदौर का है और वो जो इंदौरी टच में बोलता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो इंदौरी स्टाइल में जब बोला जाता है ना हिंदी को तो वो अलग ही है। वो होगा सेलिब्रिटी अपने घर का होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, होगा सेलिब्रिटी अपने घर का, तुम्हारा मेरे को माँ बहन की गाली देना देख लूंगा मैं, पता फर्क क्या पड़ेगा साला, मैं किसी नहीं सुनने वाला, बाहर में जाए साला, सेलिब्रिटी होगा अपने घर का। तो ये अंदाज मुझे सुनने में अच्छा लगा, लेकिन वो एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा था। इस चीज को इतना बड़ा चढ़ाकर रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये बिग बॉस का घर है, यहाँ तो राय का पहाड़ बनाया जाता है। सो इस टास्क में विनर का फैसला इस तरह से होना था कि अनूप जी जो कि बादशाह थे उनके पास थे 15 गुलाब के फूल। अब ये दीपिका, रोशनी एंड कीर्ति, इन तीनों को गुलाब के फूल लेने थे और बिग बॉस ने टास्क में ही बोल दिया था कंडीशन अप्लाई कि जिनके फूल अच्छी हालत में पाए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा तादाद में, वो टीम जीतेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये बिग बॉस ने बता दिया था कि खींचो फाड़ो फेंको झपटो चुराओ जैसे भी करो, लेकिन ज्यादा फूल होने चाहिए और अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। तो इस टास्क के दौरान हमें काफी दिनों के बाद, काफी दिन क्या मतलब पहली बार हमें ये रोशनी जो है ये नॉमिनेशन के बाद कुछ करते हुए दिखाई दी, इनके लिए तालियां। स्विमिंग पूल में छई छप्पा छई किया, एक दो डायलॉग भी दिए, मेरे शिवांश ये करो वो करो। एंड यहाँ पर हमें बिग बॉस 11 की एक याद आ गई, बिग बॉस 11 में एक मोहतरमा थी जिनका गणित बड़ा ही उत्तम था, अति उत्तम था। यहाँ पर जो वजीर बनी थी जसलीन, उन्होंने तो गणित में मतलब एक कदम आगे पैर रख दिया है। बादशाह ने पूछा कितने गुलाब के फूल है, इन्होंने कहा कि 15 थे अब 3 बचे हैं, यानी कि 12 फूल चले गए, और ये 3 तो कायदे से और गणित से और लॉजिक के हिसाब से तो तीनों को 4-4 दिए गए थे, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि 15 थे 3 बचे हैं, यानी कि 6 6 6 6 6 तो 18 होता है। गणित कहाँ से सीखा है जसलीन साहिबा, हमें तो ऐसा गणित हमने तो कहीं नहीं सीखा। एनीवे श्रीसंत ने डांस परफॉर्म किया तो श्रीसंत ने अपनी टीम के लिए गुलाब का फूल और जीता, तो दीपिका के पास अच्छे गुलाब हो गए थे क्योंकि अनूप जी की मेहरबानी ऊपर कुछ ज्यादा थी। तो जैसे ही वो अपने गुलाब दे रही थी बादशाह को कि आप अनाउंस करके ऑफिशियली में दे दीजिएगा, पीछे से रोमिल ने बाजी पलटी ऐसी, उन्होंने फूल लिए दीपक को दिए, दीपक एंड निर्मल साहब फूल लेके सट पटापट करके वॉशरूम में घुस गए। एंड इसके बाद जो हुआ वो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। करणवीर बोहरा जो कि काफी सेंसिबल इंसान है, वो वॉशरूम के दरवाजे पर तबीयत से लात देते हुए पाए गए। वो जो एक एंग्री करणवीर बोहरा है जिसको हमने टीवी पर देखा वो हमें दिखाई दिया। तो करणवीर बोहरा जो 2-3 दिनों से बड़े सेंसिबल चल रहे थे, आज एंग्री यंग मूड में आ चुके थे। एंड जो हमने एपिसोड के एंड में देखा भी कि उन्हें पनिशमेंट दी गई है, तो ये जो पनिशमेंट दी गई शायद इसीलिए दी गई है, एंड इस पनिशमेंट में इनके साथ रोमिल एंड निर्मल भी हैं। देखा जाए ना तो इसमें केयरलेसनेस थी दीपिका की, उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि इतने सारे ये जोड़ी में काफी लोग हैं, कहीं से कहीं भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि श्रीशांत तो वैसे भी गाली गलौज देख के साइड में खड़ा था। एंड श्रीशांत से मुझे याद आया कि श्रीशांत अनूप जी के साथ बैठा था कि मैं चाहूं ना अनूप जी तो मैं 2 मिनट में वो सारे फूल लेके आ सकता हूँ, सबको मार के लेके आ सकता हूँ मैं। अबे श्रीशांत, तुम श्रीशांत हो, रजनीकांत नहीं हो, तुम्हें जो टास्क दिया जाए ना तुम वही ढंग से कर लो, पहले घर में अच्छे से रह लो, बाद में लेके आना फूल वूल। एरोगेंस इतनी दिखा रहा है श्रीशांत, मतलब क्या बताऊं। एनीवे वॉशरूम के बाहर धक्कम धुक्की, दरवाजे पे लात वगैरह मार के जैसे तैसे करके अब हार तो गए थे, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी था। तो अनूप जी ने डिक्लेयर कर दिया कि कीर्ति एंड रोशनी की जोड़ी कैप्टन बन गई है, दे बिकेम द फर्स्ट कैप्टन जोड़ी ऑफ बिग बॉस 12। बहुत अच्छी बात है, सेलेब टीम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, झटका है, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन, इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग के बाद भी वो टीम हार गई, क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था, केयरलेसनेस थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड इस टास्क के बाद हमने देख ही लिया कि रोमिल श्रीशांत को समझा रहा था कि भाई आपने मुझे गाली दी, आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर शिवांश को काफी सीखने की जरूरत है सौरभ से और रोमिल से कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। श्रीशांत काफी गुस्सेल स्वभाव का है, लेकिन रोमिल ने और सौरभ ने उसको अच्छे से समझाया। एट द सेम टाइम शिवांश बड़ा ज्यादा ड्रामा कर रहा था, आई थिंक शायद वो ये प्रूव करना चाहता था कि वो इतने अपर क्लास फैमिली का है कि किसी की औकात नहीं होनी चाहिए कि वो उसको गाली भी दे दे। भाई मानता हूं मैं कि श्रीशांत ने गाली दी, गजब गाली दी, लेकिन इस शो में क्या होता है ना, गाली देने वाला तो विलन बन जाता है, लेकिन जो बंदा गाली खाता है और अगर वो गाली खाकर रिएक्ट ना करे ना तो गुडविल उसी की अच्छी बनती है।
मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, बाकी जिस तरह से रिएक्ट किया है शिवांश ने, उसने हाथ में आया मौका गवा दिया है। इसे कहा जाता है बैल बुद्धि। श्रीसंत तो भाई विलेन बन ही गया है, लेकिन अगर तुम उससे रिएक्ट करोगे, तुम बोल देते ना भाई श्रीसंत आपकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था, आज आपने ऐसा कर दिया, अब दिल से इज्जत आपकी चली गई है, ठीक है आपने बड़ा भाई, ठीक है आप बड़े हो, मैं आपसे क्या बोलूं, आपने गाली दी, ठीक है मैं सुन लिया भाई, छोटे शहर का इंसान हूं, आपसे छोटा हूं, सुन लेते ना भाई, ऐसा बोल देते तुम्हारी इज्जत बन जाती भाई, तुम इंदौर के हो इसके लिए बोल रहा हूं ऐसा, बाकी मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है, तुम कल निकलते तो आज निकल जाओ, मेरे को क्या है? खान सिस्टर्स के अंदर मन में ये चल रहा है कि ये दोनों बन गई कैप्टन, हमारे पास मौका था नॉमिनेशन में, हमारे पास मौका था कैप्टन बनने का, हम शायद सेव हो सकते थे, टैलेंट दिखा सकते थे, अरे भैया आपने अपनी इमेज तो फेक खुद ही बनाई है, फेक फाइट करके अननेसेसरी ड्रामा करके, तो घर वालों का विश्वास तो आपने पहले ही खो दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, खुद को कोसो ना, दूसरों को क्यों कोस रहे हो कि हमको चांस नहीं दिया उसको चांस दिया। खैर एपिसोड खत्म हो गया, एपिसोड खत्म होते ही हमने प्रोमो देखा जहां पर कि करणवीर रोमिल और निर्मल काल कोठरी की शोभा बढ़ा, रीजन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं लग रहा मुझे, सिंपल सा रीजन है जहां पर कि करणवीर ने घर की प्रॉपर्टी को नुकसान करने की कोशिश की, दरवाजे पर लात मारी, रोमिल एंड जो निर्मल है वो वॉशरूम में जाके छुप गए थे गुलाब वगैरह लेके, आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है, देखते हैं वो तो कल के एपिसोड में कि क्या रीजन है एंड इन लोगों का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, क्योंकि हमने देख लिया था रोमिल ने हाथ उठाया था कि मुझे ये सजा मंजूर नहीं है, पहले भी कहा था एपिसोड में कि तर्क वाला इंसान है, वकील इंसान है, तर्क वितर्क जरूर करेगा, देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता। ओवरऑल ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था, इसमें सारे एलिमेंट थे जो नॉर्मली बिग बॉस के एपिसोड में हम देखना चाहते हैं, इसमें फाइट थी, गाली गलौज थी, एक टीम कोऑर्डिनेशन था, टीम की प्लानिंग थी, डांस परफॉर्मेंस एंड थोड़ा सा ग्लैमर का तड़का भी लगाया था रोशनी ने स्विमिंग पूल में छेक छप्पा छेक करके, एंड गालियों की बौछार तो खैर हो ही गई थी, श्रीसंत शिवाशीष रोमिल वगैरह में गालियों की रासलीला, आई थिंक संजय लीला भंसाली की गोलियों की रासलीला थी ना, उनको अब नया सीक्वल बनाना चाहिए, गालियों की रासलीला जिसमें कि श्रीसंत को लीड में ले लेना चाहिए, भाई अपने कैरेक्टर में एकदम डूबा हुआ इंसान है वो, ठीक है भाई। तो इसी नोट पर मैं ये वीडियो खत्म करता हूं, आपको रिव्यू कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, एंड क्या बोलूं, डू सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।